फ्रेंड गेटवेल एंड ग्लोबल तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस गेटवेल एंड ग्लोबल। देखिए पहले मैं इसको गेटवेल के बारे में बता रहे हैं। गेटवेल रहेगा कैसे, ये आपका जैसे स्टे आपका लेवल रहेगा, ओके फ्रेंड। और ये आपको ग्लोबल, इसका आपको डाउन से राउंड रहेगा, इसे देखिए बल्ब टाइप रहेगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल। फिर दूसरा क्या रहेगा, स्टे और रॉड या हैंडल में ऑपरेटिंग जिंग करेगा, इसको एक साथ में ऊपर उठेगा, हैंडल और इसका रॉड एक साथ जैसे ऑपरेटिंग करेगा, इसको साथ में उठेगा, क्लोज एंड ओपन करेगा, उसको दोनों उठेगा, इसको ग्लोबल का पहचान है। और गेटवेल का क्या है, इसको जब भी घुमाएगा क्लोज एंड ओपन करेगा, ओनली आपको क्या ये जो रॉड दिख रहा है स्टे रॉड, ये ओनली ओपन होगा, ये फिक्स है। गेटवेल का ये आपका हैंडल का घुमाएगा, क्लोज करेगा ओपन करेगा, ये आपका फिक्स रहेगा, ये रॉड उठेगा स्टे रॉड ऊपर उठेगा। और ग्लोबल देखिए मैं आपको ग्लोबल ओपन कर रखा हुआ, देखिए रॉड एंड हैंडल दोनों ओपन है, एक साथ ओपन होगा, ओके फ्रेंड। और दूसरा पहचान क्या है, गेटवेल का आपको एरो नहीं रहेगा, आप किधर भी आपको लगा सकते हैं, आपको इस तरह लगा सकते हो रोटेट करके, ऐसे भी लगा सकते हैं, किस तरह आपका पाइप ज़्यादातर मैकेनिक में पाइपिंग में और केमिकल लाइन में आपको इस तरह यूज होता है, देखिए। और ग्लोबल का कभी भी डायरेक्शन देख के चेक करना, ये आपको देखिए डायरेक्शन आपको ड्राइंग में दिया होगा डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन देख के आपको फिटअप करने का, ये रहता है ग्लोबल का पहचान है, ये इसमें रहेगा ग्लोबल में एरो रहेगा और गेटवेल में एरो नहीं रहेगा आपको, ओके फ्रेंड। ग्लोबल में रहेगा ये आपका चेकवेल है, चेकवेल और ये ग्लोबल में आपको कैसे पहचान रहेगा ना, ग्लोबल में आपका रहेगा बॉल टाइप रहेगा प्लस हैंडल रहेगा, इसमें भी एरो रहेगा। चेक बॉल में क्या आपको एरो रहेगा लेकिन इसमें हैंडल नहीं, फ्लैट टाइप रहेगा आपके। और इसमें लिखा हुआ चेक बॉल का 2 इंच 150 और इसमें ग्लोबल का 3 इंच 150, इसको क्लास देख के कभी भी यूज करने का। और इसमें एरो देख का ड्राइंग में एरो देख के आपका फिटअप करने का, कभी भी फ्लोर डायरेक्शन में, इसमें एरो को बोलते हैं फ्लोर डायरेक्शन, मतलब इस तरह का लिक्विड लाइन गैस लाइन इस तरफ जाएगा। ये आपका चेक बॉल का काम क्या है ना, एक साइड जाएगा रिटर्न नहीं आएगा, चेक बॉल का काम है, इसलिए आपको चेक बॉल बोलते हैं। इसको फ्लोर डायरेक्शन देख के फिटअप करने का, मतलब जो लिक्विड लाइन गैस लाइन वाटर लाइन जो भी जाएगा वो जाएगा, रिटर्न आपको रिवर्स नहीं आएगा, ओके फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।